लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों पर वैट बढ़ाने पर विचार कर रही है। गुजरात सरकार अभी पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 21% टैक्स वसूलती है। इसमें 17% वैट और 4% उपकर है। हालांकि शुक्रवार को भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 71.26 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहा, वहीं डीजल का रेट भी 69.39 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। जब से देश में लॉकडाउन शुरू हुआ है, पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल का रेट में बदलाव नहीं किया है। सरकारी तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करने के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दैनिक आधार पर 6 बजे से पेट्रोल रेट और डीजल रेट में संशोधन करती हैं और जारी करती हैं। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71.26 रुपए है, वहीं 1 लीटर डीजल 69.39 रुपए प्रति लीटर पर है। कोलकाता में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 73.30 रुपए है, वहीं 1 लीटर डीजल 65.62 रुपए प्रति लीटर पर है। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76.31 रुपए है, वहीं 1 लीटर डीजल 66.21 रुपए प्रति लीटर पर है। चेन्नई में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 75.54 रुपए है, वहीं 1 लीटर डीजल 68.22 रुपए प्रति लीटर पर है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि गुजरात में वैट की दरें और ईंधनों की कीमतें दोनों देश में सबसे कम है। उन्होंने गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, हमने माल एवं सेवा कर के संग्रह में गिरावट के कारण महत्वपूर्ण राजस्व खो दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण व्यवसाय बंद थे। हमने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज जारी करने में अतिरिक्त व्यय भी किया है। उन्होंने कहा, गुजरात में ईंधन की कीमतें देश में सबसे कम है, क्योंकि हमारा वैट भी सबसे कम है। कुछ विशेषज्ञों ने वैट को बढ़ाने और इसे अन्य राज्यों के बराबर लाने का सुझाव दिया है। इससे हमें कोरोना वायरस से लड़ने के साथ साथ अतिरिक्त व्यय की भरपाई करने में मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। दाश, अगर आप भी घर बैठे पेट्रोल डीजल के दामों की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको अपने फोन से एक SMS करना होगा। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के नए रेट्स रोजाना सुबह 6 बजे जारी होते हैं।